नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हीट रिलेटेड इलनेसेस के बारे में, यानी कि गर्मी से होने वाली बीमारियां जो कि इस मौसम में बहुत कॉमन है। इसके अंदर दो मेजर कैटेगरीज जो आती हैं वो हैं हीट एग्जॉशन, यानी कि गर्मी से होने वाली थकावट, और हीट स्ट्रोक, जो कि अपने आप में एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसका इलाज अस्पताल के बाहर नहीं किया जा सकता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस पर छूने वाला तापमान आज के डेट में हो रहा है, तो ये बीमारियाँ बहुत कॉमन हो गई हैं। जो भी लोग ओपन सनलाइट के अंदर काम करते हैं, यानी कि लेबर रिलेटेड काम है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पुलिस कर्मी हैं, ड्राइवर लोग हैं जो कि ओपन थ्री व्हीलर्स चलाते हैं, ऐसे लोग बहुत कॉमनली ये बीमारियां कैच करते हैं। तो हीट एग्जॉशन यानी कि गर्मी से होने वाली थकावट के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि पसीना ज़्यादा आता है, चक्कर आने लगते हैं, और जो पल्स होती है हमारी, यानी कि जो नब्ज़ की जो गति होती है वो इसमें काफ़ी धीरे हो जाती है। नब्ज़ की गति अगर आप बाहर किसी की देखना चाहते हैं, जब आपको लग रहा हो कि क्या इस व्यक्ति को गर्मी से होने वाली थकावट तो नहीं हो गई है, और अगर आपको अंतर करना हो कि ये हीट स्ट्रोक तो नहीं है, तो उसके मैं लक्षण आपको बता देता हूँ कि हीट स्ट्रोक के अंदर पेशेंट को पसीना नहीं आ रहा होगा। हीट स्ट्रोक में पेशेंट का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा, यानी कि अगर हम नॉर्मल थर्मामीटर पर देखेंगे तो वो 104 डिग्री का बुखार जो हम देखते हैं वो देखने को मिलेगा। और हीट स्ट्रोक के अंदर जो आप पेशेंट होगा वो अपनी सुध बुध खो चुका होगा, आपको मरीज़ गफलत में भी मिल सकता है, वो बिना मतलब बनाने वाली बातें कर सकता है, बेहोशी की तरफ जा सकता है। और हीट एग्जॉशन का जो पेशेंट है, यानी कि गर्मी की थकावट जो कि एक कॉमन चीज़ है, उसके पेशेंट में आपको क्या चेक करना होगा, आपको पल्स चेक करनी होगी। आप या तो अपने उल्टे हाथ से भी चेक कर सकते हैं, या फिर सीधे हाथ से इस तरीके से अंगूठे के पीछे जहां पर व्यक्ति घड़ी पहनता है उस जगह पर पीछे की तरफ आप महसूस करेंगे तो आपको नब्ज़ महसूस होगी। अब नब्ज़ की गति से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर ये बहुत कम प्रेशर की और बहुत धीमे चलने वाली गति है तो घबराने की बात नहीं है, मरीज़ हीट एग्जॉशन का शिकार है, जिसमें आप मरीज़ के ऊपर पानी का छिड़काव करके, उनके कपड़े उतार करके, अगर बर्फ़ है तो बर्फ़ वाले पानी में उनको लिटा करके, पंखे में या फिर वातानुकूलित कमरे में ले जा करके 20 से 40 मिनट के अंदर उनके लक्षणों को सुधार में आते हुए देख सकते हैं। पर यहीं पर अगर ये वाली जो नब्ज़ है ये बहुत तेज़ चल रही है, और यहाँ पर कान के नीचे, आप मुंह इस तरफ कीजिए, कान के नीचे इस तरफ पे भी आप एक तरफ की नब्ज़ को एक बारी में हाथ लगा करके अगर देखेंगे तो ये वाली नब्ज़ भी बहुत तेज़ अगर चल रही है, तो ये लक्षण है कि पेशेंट इस टाइम पे हीट स्ट्रोक में है। साथ ही साथ मरीज़ पूरे तरीके से होश में नहीं है, उनको पसीने बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, चमड़ी उनकी सूख गई है, लाल हो गई है, और बहुत देर से वो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रहे हैं। तो ये जो लक्षण है ये एक मेडिकल इमरजेंसी की तरफ जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स पे पानी का छिड़काव करना, वातानुकूलित एनवायरनमेंट में ले जाने से उनकी कोई ज़्यादा मदद होने नहीं वाली है। ऐसे मरीज़ों के लिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे मरीज़ों को प्लीज़ अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेकर के जाइए, और ताकि उनको बेटर से बेटर ट्रीटमेंट मिल पाए, बिकॉज इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, सो वी हैव टू ट्रीट इट लाइक दैट। आप हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स को सुभारती हॉस्पिटल में भी ला सकते हैं। थैंक यू।